आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। प्रेजेंट और पास्ट टेंस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आज देखते हैं फ्यूचर टेंस। चलो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, तो पहचान इसकी कैसे करनी है? जिस वाक्य के अंत में अगर गा गे गी आदि आएगा तो क्या होगा? फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल अब्लिक विल प्लस वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव के लिए बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव के लिए बनाना हो तो सेल अब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये जो है सिंपल सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे पूरे टेंस में आई और वी के साथ सेल लगेगा और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। ठीक है, लेकिन ये बस बोलने का रहता है। जनरली हम लोग बोलते हैं मैं कल रायपुर जाऊंगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आई विल गो टू रायपुर, है ना। तो विल हमेशा सबके साथ यूज होता है, लेकिन यहाँ पे लिखने के लिए हम लोग आई और वी के साथ क्या सेल का यूज करते हैं और बाकी के लिए क्या इसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि पूरे फ्यूचर टेंस में सेल और विल के साथ क्या है? आई और वी के साथ सेल ही यूज होगा और बाकी सबके साथ विल यूज होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल। हम नए कपड़े खरीदेंगे, वी सेल बाई क्या होगा? न्यू क्लॉथ्स। इसका नेगेटिव कैसे होगा? वी सेल नॉट बाई न्यू क्लॉथ्स। इसका इंटरगेटिव बताओ। सेल वी बाई न्यू क्लॉथ्स। फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखो, अब दूसरा एग्जाम्पल है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई सेल प्रे टू गॉड। खत्म। और क्या? आई सेल नॉट प्रे टू गॉड। और इसका इंट्रोगेटिव कैसे होगा? सेल आई प्रे टू गॉड। प्रे टू गॉड। फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह स्कूल में उपस्थित होगी। ठीक है, तो सी विल प्रेजेंट इन स्कूल। देखो इसी के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बन रहा है। पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर सेल या फिर विल आ रहा है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव में? सी विल नॉट प्रेजेंट इन स्कूल। उसके बाद इंट्रोगेटिव क्या होगा इसका? विल सी प्रेजेंट इन स्कूल। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं मीन्स हम लोग का पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर वाक्य के अंत में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब अगर आता है तो वहां पे क्या टेंस होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि बोलेंगे कि वह वहां पे काम कर रहा होगा, वह वहां पे खा रहा होगा, वहां पे सो रहा होगा, वहां पे सब जगह क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। ठीक है, अब देखो इसको इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं। अगर कोई भी आदमी सब्जेक्ट अगर सेल और विल भी, सेल भी या फिर विल भी का यूज करता है तो समझ जाना कि वहां पे क्या टेंस होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस सेल अब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका नेगेटिव कैसे हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस सेल अब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सेल अब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वर्ब का एनजी फॉर्म यूज होगा। ठीक है, अब चलो एग्जांपल देखते हैं। बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा होगा। ठीक है, तो चलो इसका ट्रांसलेट करो। द चाइल्ड विल बी क्राइंग फॉर हर मदर। इसका नेगेटिव कैसे हो जाएगा, द चाइल्ड विल नॉट बी क्राइंग फॉर हर मदर। ठीक है, इसके इंटरोगेटिव बताओ, विल द चाइल्ड बी क्राइंग फॉर हर मदर, इंटरोगेटिव। ठीक, अब देखते हैं, वह प्रत्येक रविवार को चर्च जा रही होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी विल बी गोइंग टू चर्च एवरी संडे। इसका नेगेटिव बताओ, सी विल नॉट बी गोइंग टू चर्च एवरी संडे। ठीक है, अब इसका इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल लिख दिया था, सॉरी यहाँ पे सी होगा ना, यहाँ पे फिर इंटरोगेटिव होगा, विल सी बी गोइंग टू चर्च एवरी संडे, फिर क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट इसका एग्जांपल देखते हैं, वे अपना काम कर रहे होंगे, तो दे विल बी डूइंग देयर वर्क। ठीक, अब इसका इंट्रो नेगेटिव कैसे होगा, दे विल नॉट बी डूइंग देयर वर्क। इसका इंट्रोगेटिव होता विल दे बी डूइंग देयर वर्क, डूइंग देयर वर्क, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे होती है, अगर वाक्य के अंत में चुका होगी, चुके होंगे, चुकी होगी, ये सब आएगा, तो ये यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में कैसे पहचान करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मींस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, शैल विल है ना, और हैव लगेगा यहाँ पे, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आई और वी के साथ कौन सा यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव होगा, और बाकी ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, विल हैव होगा। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बस से रायपुर जा चुका होऊंगा, जा चुका होऊंगा आया मींस यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। चलो इसका ट्रांसलेट करो, आई विल, नहीं सॉरी, यहाँ पे
लिखने टाइम क्या लिखते हैं, शैल लिखते हैं। आई शैल हैव, क्या होगा अब, शैल हैव हो गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो मेंट गॉन टू रायपुर, इसका नेगेटिव बताओ। आई शैल नॉट हैव गोन टू रायपुर, इंट्रोगेटिव बताओ। शैल आई हैव गोन टू रायपुर, अब देखो ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल रखते हैं, राम रावण को मार चुका होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, राम विल हैव किल्ड, किल्ड मीन्स क्या होता है, मारना, किल, किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, किल्ड। राम विल हैव किल्ड टू रावण, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, राम विल नॉट हैव, राम विल नॉट हैव किल्ड टू रावण, इसका इंटरगेटिव बताओ। विल राम हैव किल्ड टू रावण, किल्ड टू रावण, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, वह अपना घर मंदिर के किनारे बना चुकी होगी, सी विल हैव, अब घर बनाना मीन्स बनाना क्या क्या होता है, बिल्ड, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिल्ड, बिल्ड हर होम, बिसाइड दी टेम्पल, ठीक। वो अपना घर मंदिर के किनारे बना चुकी होगी, बिसाइड मीन्स क्या होता है, किनारे होता है, ठीक। अब यहाँ पे नेगेटिव क्या होगा, सी विल नॉट हैव बिल्ड हर होम बिसाइड दी टेम्पल, इसका इंटरोगेटिव कैसे होगा, पहले आएगा विल, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, विल सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बिल्ड, फिर क्या हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा, बिल्ड हर होम बिसाइड द टेम्पल, और लास्ट में क्या नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, वाक्य में समय के साथ, मीन्स इसमें समय होना जरूरी है, अगर समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी, ये सब आएगा, तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। अब सिंस और फॉर, सिंस क्या है, पर्टिकुलर टाइम मीन्स निश्चित समय के लिए यूज होता है, और फॉर अनपर्टिकुलर टाइम मीन्स अनिश्चित समय के लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव, शैल हैव या फिर विल हैव आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद बीन लगेगा, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। यहाँ पे ध्यान देना ये है कि शैल हैव बीन के बाद नॉट नहीं लगाना है, शैल हैव और बीन के बीच में हम लोग को क्या लगाना है, नॉट लगाना है, ठीक। अब सब शैल और बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही होगी, यहाँ पे तो हो ही रही है, चलो इसका ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इट
विल हैव बीन कंटिन्यू रेनिंग फिर एक हफ्ता। देखो यहाँ पे तो इतना तक हो गया, लगातार बारिश हो रही होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आया, एक हफ्ता, कोई सा भी एक हफ्ता हो सकता है। मीन्स यहाँ पे कौन सा यूज होगा, फॉर अ वीक, ठीक। आप यहाँ पे अगर नेगेटिव बनाए, इट विल हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन कंटिन्यू रेनिंग फॉर अ वीक, ठीक है। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाए तो क्या होगा, विल इट हैव बीन, विल इट हैव बीन कंटिन्यू रेनिंग, क्या हो जाएगा, फॉर अ वीक, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसको तो आप लोग खुद कर सकते हो क्योंकि सारे स्ट्रक सेम ही रहता है लगभग, है ना। तो अब देखो इसमें वे 4 दिनों से समुद्र के किनारे भटक रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे विल हैव बीन वंडरिंग वंडरिंग नियर द क्या, समुद्र, ठीक है, नियर द सी, नियर द सी। फिर अब देखो दे विल हैव बीन वंडरिंग नियर द सी, अब 4 दिन, फॉर 4 डेज, ठीक। अब देखो अगर इसका इंट्रोगेट नेगेटिव बनाए तो दे विल नॉट हैव वंडरिंग नियर द सी फॉर 4 डेज हो जाएगा। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाया तो क्या होगा, विल दे हैव वंडरिंग नियर द सी फॉर 4 डेज, उसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। अब देखो अब लास्ट एग्जांपल इसका देखते हैं, मैं उसको 2 बजे एयरपोर्ट में देख चुका होऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सेल हैव बीन, आई सेल हैव बीन सीइंग टू हिम सिंस 2 o'clock, क्योंकि यहाँ पे 2 बजे बोला हूं तो ये क्या होगा, निश्चित समय होगा, मींस वहां पे सिंस यूज होगा, ठीक है। इसका नेगेटिव क्या होगा, आई सेल हैव नॉट बीन, आई सेल हैव नॉट बीन सीन टू हिम सिंस 2 o'clock। इसका इंटरोगेटिव क्या होगा बताओ, इसका इंटरोगेटिव यह होगा कि सेल सेल आई हैव बीन फिर सिंग टू हिम सिंग टू हिम सिंस 2 o'clock, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक। समझ आया सबको, हमने पूरा टेंस तो पढ़ लिया, अब देखते हैं टेंस का पूरा सार चीज की टेंस को कैसे याद रख सकते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं, देखो कोई सा भी आप टेंस लेंगे और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म लेंगे, वर्ब का क्या फॉर्म यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा डू या फिर डज, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेते हैं तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज होता है इज एम आर, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। अगर परफेक्ट लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे हैव या फिर हैज यूज होता है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लेते हैं तो
क्या होता हैव बीन या फिर हैज बीन होता है, और यहाँ पे क्या होता है वर्ब का एनजी फॉर्म होता है, और सिंस और फॉर लगता है, सिंस किसके साथ पर्टिकुलर टाइम और फॉर अनपर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डिड। और देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि यही एक अकेला टेंस है जिसमें सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, जबकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक है, अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, वाज या फिर वर का यूज होता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। अगर परफेक्ट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब यूज होता हैड, और वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म यूज होता है। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे यूज होता हैड बीन, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म और सिंस और फॉर लगता है। ठीक है, अब देखो अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो सेल और विल, ठीक है, और वर्ब का कौन सा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो क्या होगा सेल या फिर विल, सेल बी या विल बी होता है, और वर्ब का एनजी फॉर्म यूज होता है। अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो सेल हैव या फिर विल हैव होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो सेल हैव बीन या फिर विल हैव बीन यूज होता है, और वर्ब का यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज होगा एनजी फॉर्म होगा और सिंस और फॉर लगेगा। अब देखो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो सारे इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है, आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा है। अगर परफेक्ट की बात करें तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ये देखो यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये अगर फ्यूचर कोई सा भी, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है वर्ब का एनजी फॉर्म यूज हो रहा है और सिंस फॉर लग रहा है। यहाँ पे भी पास्ट में भी वही हो रहा है, फ्यूचर में भी हो रहा है, मीन्स अगर एक टेंस आया तो सारा टेंस आ जाएगा। ठीक,